तो दोस्तों आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि टीम इंडिया ने अभी तक वर्ल्ड कप में कुल 5 मुकाबले खेली है, उनमें से 4 मुकाबला जीत लिया है और आसानी से टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन अब यहां से रास्ता और ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि यहां पर एक से एक टॉप टीम मिलने वाली है टीम इंडिया को। लेकिन बता दें कि टीम इंडिया के पास ऐसे 3 बड़े खिलाड़ी है जो कि टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप 2022 के चैंपियन बनाने वाले हैं। या दोस्तों वह कौन खिलाड़ी है? तो दोस्तों सबसे पहला खिलाड़ी विराट कोहली। बता दें कि विराट कोहली अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है और जिस प्रकार से फॉर्म में चल रहा है और विराट कोहली आगे भी शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं और विराट कोहली भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर है इस वर्ल्ड कप का। इसके अलावा विराट कोहली भी अभी तक देखे कह रहे तो बेहतरीन रहा, एक महान खिलाड़ी रहे हैं। वहीं बात के दूसरे खिलाड़ी का हुआ है सूर्य कुमार यादव। इन्हें मिस्टर 360 डिग्री भी बोला जा रहा है। जिस प्रकार के शॉट खेल रहे सभी देखकर अचंभित है और इससे सामने टीम में खौफ पैदा कर दी है सूर्य कुमार यादव। बता दें कि सूर्य कुमार यादव इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे स्थान पर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव किस प्रकार का अभी बैटिंग कर रहे हैं और ये अभी बेहद ही अहम खिलाड़ी रहने वाले हैं भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल्स में। वहीं तीसरे खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एक शानदार ऑलराउंडर है और टी20 में नंबर 1 ऑलराउंडर में से एक है। जहां दोस्तों बता दें कि हार्दिक पांड्या का अभी तक टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है लेकिन उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं रहा हम जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या को जानते हैं। लेकिन अब हार्दिक पांड्या बिल्कुल लय में दिखने वाले हैं सेमीफाइनल्स में। जहां दोस्तों बता दें कि हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि फंसा हुआ मैच भारतीय टीम को जिताने का क्षमता रखता है और भारतीय टीम अगर चैंपियन बनती है तो हार्दिक पांड्या का रोल बेहद ही अहम रहने वाला है। तो दोस्तों यह 3 ऐसे खिलाड़ी जो कि भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में सबसे अहम रोल निभाने वाले हैं टी20 वर्ल्ड कप 2022 में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी का सबसे अहम रोल रहने वाला भारतीय टीम का चैंपियन बनाने में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।